हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और ये जो टॉपिक है वो बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स की छोटी छोटी क्वेरीज आती हैं उसके लिए है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हम वूल सेलेक्ट करें, कैसे हम सिलाइयाँ उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। सबसे बड़ा जो मेरे पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सिलाई से रिलेटेड आते हैं कि सिलाई हम कैसे सेलेक्ट करें वूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैं ज्यादातर जो सिलाई यूज करती हूँ वो पोनी की होती है, पोनी कंपनी की सिलाई होती है। उसको आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं मार्केट से लोकल, और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। पोनी की साइट है या और भी जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है शॉपिंग की, वहां से आप यूज देख के कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑफलाइन थोड़ा सा ये सस्ती पड़ जाती है, ऑनलाइन थोड़ा सा ये महंगी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलाइयों के बारे में बता देती हूँ कि ये जो सिलाइयाँ उसके बाद में बताऊंगी कि वूल आपको कैसे वूल के अकॉर्डिंग सिलाई को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जो सिलाइयाँ होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। एक तो ये होती हैं जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती हैं, दोनों तरफ से जो इसका ये देखिए, दोनों तरफ से आप इससे बना सकते हैं। तो ये मोस्टली गले बुनने में हम यूज करते हैं, जो हम गला बनाते हैं वी गला इस तरीके का, उसमें हम यूज करते हैं ये वाली सिलाई। अब दूसरी जो होती है वो नॉर्मल होती है, जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, वो एक साइड से जो है वो उसमें नॉब लगी होती है, तो इससे ताकि आपके फंदे निकले ना, इस तरीके से ये होती है। और ये भी अलग अलग साइज में आती है। दूसरी जो बात है वो है साइज की, तो अलग अलग साइज की आती है। और सबसे ज्यादा जो मैं वूल यूज करती हूँ वर्धमान की, उसमें जो सिलाई यूज होती है वो 10 नंबर और 9 नंबर की होती है। तो 9 और 10 नंबर की सिलाइयाँ आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप निटिंग करते हैं। 9, 10 और 11 नंबर की सिलाइयाँ आप अपने पास रख लीजिए, वो ज्यादातर आपकी काम में आएंगी। नॉर्मली जो हम स्वेटर बनाते हैं उसमें 10 और 9 ही यूज होता है मैक्सिमम टाइम पे। बाकी अगर आप थोड़ा सा कुछ मोटा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें 8 नंबर भी आप यूज कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो 9, 10, 11 ही यूज होती है। उसके बाद ऐसी सर्कुलर वाली भी आती हैं, जैसे आप कुछ गोल बनाते हैं गला, या ऊपर से बुनने वाले जो स्वेटर होते हैं टॉप डाउन जो स्वेटर होते हैं गले से, और नीचे की तरफ जो बुनने वाले होते हैं उनमें आप ये कर सकते हैं। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास ज्यादा फंदे हैं तो आप ज्यादा लंबी वायर वाली भी ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग साइज की वायर आती है और इसका साइज अलग होता है। जैसे इनमें 9, 10, 11 साइज होता है इस वाली में, तो इसमें भी 9, 10, 11 होता है, वो इस पॉइंट का साइज होता है। बाकी सेंटीमीटर में आपको इस वायर का साइज दिया रहेगा कि ये कितना लंबा है, इस तरीके से जो ये वायर है ये कितनी लंबी है, इसका साइज अलग रहेगा सेंटीमीटर में। बाकी इस जो पॉइंट है इसका साइज आपको इसी तरीके से मिलेगा, 9, 10, 11 या mm में मिलेगा। तो आप इस तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो आपके ऊपर है आप कहाँ से करेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये 100 सेंटीमीटर की है, और एक मेरे पास ये 40 सेंटीमीटर की भी है। ये देखिए, ये 40 सेंटीमीटर की, ये इतनी छोटी है। बाकी देखिए, इसका जो साइज है, तो इसके साइज के बारे में भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे। जो छोटे नंबर का साइज होता है, जैसे कि 8 नंबर का साइज है वो मोटा होता है, फिर जो 9 नंबर होगा वो इससे पतला होगा, फिर 10 नंबर इससे और पतला होगा, इस तरीके से होता है। 6 नंबर का इससे भी मोटा होगा। तो जब आप ज्यादा मोटी वूल यूज करते हैं तो आप 6 नंबर, 7, 8 ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा और पतली है तो आप 9 नंबर, थोड़ा सा और पतली है नॉर्मल जो वूल होती 4 ply, 3 ply, उसमें आप 10 या 11 नंबर की सिलाई को यूज करते हैं। अब देखिए, ये इसके बारे में हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जितना मैंने इसके बारे में बताया है। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से मार्केट में। दूसरी चीज है वूल, वूल के हिसाब से आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप वूल कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वर्धमान के अलग अलग नाम से वूल आती है। वैसे तो इसकी सारी वूल मुझे लगता है अच्छी ही होती हैं जो भी आती हैं, लेकिन इनमें लिखा हुआ होता है जहां पर भी ये वूल आप परचेज करेंगे, इनमें सारा लिखा होता है कि ये कैसी वूल है। तो इसमें लिखा हुआ होगा ये कौन सी प्लाई की वूल है, कितने mm की है ये भी दिया रहेगा, कितनी लेंथ है इसकी मीटर में वो भी देते हैं, और इसमें क्या यूज हुआ है इस वूल को बनाने में। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है अक्रीलिक एंड नाइलॉन, तो इसमें परसेंटेज रेशियो भी दिया हुआ है कि ये किससे बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं इसको। तो जो प्योर अक्रीलिक वूल होती है वो थोड़ी सी पतली और ज्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे ये वाली है बच्चों के लिए आती है।
और जो ब्लेंड में होती है जैसे अक्रेलिक और नायलॉन है, ये वाली ज़्यादा इसके उसमें बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए आती है, दोनों सॉफ्ट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही देखना है कि ये कौन सी वूल है। दूसरी चीज़, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है जो इस तरह की प्योर अक्रीलिक होती है, फिर आपको देखना है कि ये कोई कोई जो यान आजकल आ रहे हैं वो कॉटन यान भी आ रहे हैं, वर्धमान के कॉटन भी आते हैं और प्रिंटेड इस तरीके के, तो आप देख लेंगे कलर आपको कौन से सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये है, ये बेबी वूल है, प्रिंट प्रिंट में आया है, तो इसी तरीके से और भी आए होंगे। दूसरी, आपको थिकनेस आपको देखनी है कितनी थिकनेस है, तो आपको कितनी मोटी वूल चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मोटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप थिकनेस इसकी देख लेंगे। थिकनेस प्लाई में भी लिखा होता है और एमएम में भी इस तरीके से एनएम में लिखा हुआ है इसका, देखिए। तो देखिए थिकनेस जो होती है इसकी वो एमएम में भी लिखी होती है और प्लाई में भी लिखी होती है। तो कभी कभी लिखा होता है 4 प्लाई, लेकिन वो मोटी भी हो सकती है, उसमें लिखा होगा थिक है या पतली है। तो थिक लिखा होगा इसका मतलब वो बहुत ज्यादा थिक वाली है, और जो पतली है उसमें फिर उसमें साइज भी लिखा होगा कि आपको कौन सी निडिल यूज करनी है। यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी आप लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। आप देख के भी आप पता कर सकते हैं कि ये कितनी थिक है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलाइयाँ यूज कीजिए। तो जब आपको थोड़ा सा कुछ मोटा बनाना होता है, जैसे आपको थिक चाहिए, गफ चाहिए, अगर मोटा सा कुछ बनाना है, अगर आपको चाहिए कि वो थोड़ा सा मोटा हो, ज्यादा गर्म गर्म हो या कुछ ऐसा, तो आप पतली वूल यूज कीजिए, सॉरी पतली निडिल यूज कीजिए, क्योंकि पतली जो सिलाई होती है उसमें थोड़ा सा मोटा बन के आएगा। उसके बाद जैसे आपको चाहिए कि थोड़ा सा पतला पतला हो, हल्का हो, हल्का बनाना हो, तो आप थोड़ी सी मोटी वूल यूज कीजिए, सॉरी थोड़ी सी मोटी सलाई यूज कीजिए। तो सलाई से क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो मोस्टली मैं 10 नंबर की और 9 नंबर की ही सलाई यूज करती हूँ, और जो ये इस टाइप के यार्न अभी मैं यूज करूंगी उसमें 9 नंबर भी चलेगा और 10 भी चलेगा, वो मैं आगे जो मेरे वीडियोज आने वाले हैं उनमें बताती रहूंगी। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर ऑनलाइन ही लेती हूँ, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये क्या बनाने में ज्यादा सुटेबल रहेंगे, जैसे किड्स के गारमेंट्स हो गए या बड़ों के एडल्ट्स के हो गए, किसके कपड़े बनाने में या क्या बनाने के लिए ये वूल अच्छी है, वो भी उसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। खरीदने से पहले आप सबका पढ़ के देख सकते हैं अच्छी तरह से, आप पूरा ऑनलाइन को, ऑनलाइन में जब भी आप लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं आप पूछ के देख सकते हैं, ऑनलाइन में आप पढ़ के देख सकते हैं सारा कि किस में ये यूज होगा, उसके बाद ही आप परचेज कीजिए, और तो उसी के अकॉर्डिंग आप सिलाई यूज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं। और आपको क्या बनाना है आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके की वूल खरीद सकते हैं। ये अभी मैंने मल्टी कलर प्रिंटेड में लिया है, बाकी ये प्लेन कलर भी आते हैं, इनसे भी आप डबल कलर में बना सकते हैं, जो भी आपको करना है आप इस तरीके से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। कि मैंने खरीदा है ये प्योर अक्रीलिक वूल है, इस तरीके से आती है, वर्धमान की है। तो जो मैं यूज करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ, वही दिखा रही हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है कि आप कौन से कंपनी का। मैं जस्ट आपको वूल का आइडिया दे रही थी कि आप किस तरीके की वूल खरीद सकते हैं। कॉटन यान भी आते हैं, आपको कॉटन जैसा कुछ हल्का फुल्का बनाना है समर के लिए तो वो भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी विंटर्स के लिए ये वाली वूल आती है, ये देखिए, ये इसकी माइक्रो शाइन है, इसमें हल्की फुल्की शाइन होती है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको जो भी कुछ बनाना है प्रोजेक्ट उसके हिसाब से आप वूल को सेलेक्ट कीजिए, और सलाइयाँ भी आप उसी तरीके से सेलेक्ट कीजिए। तो जो मोटी सलाइयाँ होती हैं वो छोटे नंबर में होती हैं, जैसे 6, 7, 8, और जो उससे आगे होंगी वो पतली पतली होती जाएंगी। तो जैसे आप 6 नंबर का सेलेक्ट कर रहे हो तो वो मोटी सिलाई है, फिर 7 का कर रहे हो उससे कम मोटी है, 8 का कर रहे हो उससे कम मोटी है। इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कौन सी सिलाई हम सेलेक्ट करें, कौन सी वूल पे। तो इस तरीके से है, अगर आपको जैसे आप बनाते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी सिलाई हम यूज करें, तो आप पहले बना के देखिए, आपको अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग जितना आपको सही लगता है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो थिकनेस है अगर आपको सही लग रही है तो उसी से बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मोटा हो रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो थोड़ा गफ जा रहा है ज्यादा, तो आप उससे यानी कि आप उससे मोटी सिलाई को यूज कीजिए। जैसे आपको 10 नंबर पे लग रहा है कि ये थोड़ा मोटा बन रहा है तो आप 9 नंबर की सिलाई पे जा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है 10 पे पतला बन रहा है तो आप 11 पे जा सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो बाकी आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट में पूछते रहिए, और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी, और इतने टाइम तक बने रहने के लिए। तो मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी आपके लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।